अक्षय तृतीया के समय 7 मई का दिन आपके लिए कैसा साबित हो सकता है वो हम आपको बताएंगे। 7 मई का ऐसा दिन है जो आप कुछ ऐसी चीज़ें उपयोग करेंगे जिससे आपके घर में तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ghamasan.com और हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया में 7 मई को ऐसी कौन सी चीज़ें उपयोग करें जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी ना आए। अक्षय तृतीया के बारे में आज हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कार कि आपको धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो आपकी जल्द ही पूरी हो जाएगी। चाहे धन की समस्या हो या आपके ऊपर कोई कर्जा, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से सारे कर्ज खत्म हो जाए और धन की किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके घर में ना हो, तो सदा लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। लक्ष्मी जी की पूजा करने से, उन्हें मानने से आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। आज जो हम आपको उपाय बताएंगे, अगर उसका आप उपयोग करते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर से जो भी कर्ज होगा या फिर किसी प्रकार की कोई परेशानी अवश्य जल्द ही पूरी होगी। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताएंगे जो आपको 7 मई के दिन उपयोग करना है। उस उपयोग करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, चाहे वो धन की समस्या हो, प्यार की समस्या हो या फिर कोई कर्ज की। इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप अपने घर में 10 पान के पत्ते लाएं। उन 10 पान के पत्तों को अपने घर में रखें, जहां आप सोते हैं, जहां आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं, उन 10 पत्तों को अपने घर में रखें। लेकिन ध्यान रहे वो पत्ते फ्रेश हो, कहीं से कटे पिटा ना हो। आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तब एक आसन पर बैठकर उन पान के पत्तों के ऊपर, अलग अलग पान के पत्तों के ऊपर आप चावल रखें और लक्ष्मी जी की पूजा करें। यकीन मानिए उन पान के पत्तों से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, चाहे धन की समस्या हो या फिर आप किसी कर्जे में डूबे हो, प्यार की समस्या हो या फिर आपको नौकरी ना मिल रही हो, इन पान के पत्तों से आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.